क्वेश्चन में हमें चेक ये करना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। सो लिखा हुआ है 1 पैसा इज इक्वल टू 0.01 रुपीज। ये बिल्कुल राइट है। रीजन क्या है? 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा। सो अगर हमें पैसा को 1 पैसा का चेक करना हो, सो 1 पैसा दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/100, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। इट मीन फर्स्ट वाला राइट है। सेकेंड वाला 1 1/2 डजन, 1 डजन में होते हैं 12 और 1/2 डजन में हो गए आपके पास 6, सो टोटल इज इक्वल टू 1 1/2 डजन 18, ये भी राइट है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, राइट है। सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10, इसका मतलब 0.1, ये बिल्कुल राइट है, थर्ड वाला ऑप्शन। अब चेक करते हैं फोर्थ वाला। 1 लीटर जो है दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, और हमारे पास यहाँ पे लिया हुआ 3 लीटर एंड 30 मिलीलीटर, तो ये किसके इक्वल होएगा? 1 लीटर अगर 1000 मिलीलीटर के इक्वल है, सो 3 लीटर जो है दैट इज इक्वल टू 3000 मिलीलीटर, उसमें प्लस 30 मिलीलीटर और ऐड करते तो हमारे पास आंसर आना चाहिए था 3030 मिलीलीटर, और यहाँ पे दिया हुआ 330 मिलीलीटर। इसका मतलब ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसमें गलत था, यही हमारा राइट आंसर है।